मथुरा के थाना सदर क्षेत्र स्थित गोकुल बैराज रोड पर वहां के वासिंदों ने कॉलोनी में भरे जलभराव की समस्या को लेकर आज मथुरा से गोकुल को जाने वाले मार्ग पर जाम लगा दिया और सैकड़ों की तादाद में महिलाएं रोड पर बैठ गईं और जिला प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट करने लगीं। जाम लगने से वहां से गुजरने वाले राहगीरों और वाहनों को घंटों जाम के झाम में खड़ा रहना पड़ा। वहीं जाम की सूचना पाकर इलाका पुलिस और थाना रिफाइनरी पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहां पर जाम लगाए बैठे लोगों को समझा बुझाने का काम करने लगी, लेकिन वहां के वासिंदे अपनी मांग पर अड़े रहे और पुलिस की उनके सामने एक ना चली। जलभराव की समस्या को लेकर वहां के वासिंदों ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत कई महीनों से यमुना के किनारे बसी कॉलोनियों में जलभराव के कारण यहां के रहने वाले वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया जाता है और अगले महीने या बरसात खत्म होने की कहकर उन्हें आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है, जिसके कारण आज वे पानी में रहकर नारकीय जिंदगी जी रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने जाम लगाया है और अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो इसी तरह जाम लगा कर रखेंगे। इधर क्या परेशानी है? हमारा ये रोड नहीं बन रहा है, 5-6 साल हो गई। हम श्री कंसर माँ के पास, लक्ष्मी नारायण के पास और नगर निगम के पास हम बहुत जगह घूमे आए, हमारी फाइल वापस आ जाती है, उसका कोई ध्यान नहीं दे रखती है। अच्छा, कौन कौन सी कॉलोनी ग्रसित है जलभराव से? गणेशपुरम, श्रीजी विहार, दाऊजी विहार और नसबंदी विहार। तो आज आपने ये रोड जाम लगाया, अब आपको क्या आश्वासन मिला? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो देखने गए, पता नहीं, हम तो जानते नहीं है ये लोग कौन है, ये तो यही जाने कि ये कौन है। हमारे साथ आदमी है नहीं, हमारे यहाँ पे ये पता नहीं है कि ये है ये कोई नेता या नहीं है। ये अधिकारी लोग आए हुए हैं, आप नहीं जानती हैं? नहीं, हम नहीं जानते। मजिस्ट्रेट साहब हैं, सीओ साहब हैं, इन्हें तो जानते हैं और जो देखने गए उन्हें हम नहीं जानते। इन्होंने क्या आश्वासन दिया? क्या आश्वासन दिया है होगा आपका? ये किस माहौल, किस वार्ड से हैं आप? 26 नंबर से। अच्छा, आज जो जाम लगा उसको कैसे निस्तारण किया आपने? ये जाम एक श्रीजी विहार का बहुत ही ऐसा रोड है कि कोई निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, पानी भरा जल भरा रहता है, बहुत ही गंभीर मामला है, कंडीशन ख़राब है। अब इसके लिए रोड तो सेंक्शन हो गया है, अब बनने में कुछ ही टाइम बाकी है, तो इन लोगों की जानकारी में नहीं था और इन लोगों ने जाम लगा दिया है। प्रशासन भी यहाँ आ चुका है और प्रशासन से भी हमने बोला है कि उनकी भी जानकारी में नहीं था। मैंने कहा ये रोड सेंक्शन हो चुका है, 38 लाख कुछ रुपए का एस्टीमेट है इसका और 60 दिन का इसका टारगेट है, 60 दिन के अंदर अंदर ये काम शुरू हो जाएगा। कितने दिन का आश्वासन से खुला है ये जाम? ये 2 महीने के भीतर भीतर काम शुरू हो जाएगा। हमने फोन किया इन लोगों से और समझा बुझा करके इन लोगों को समझा करके ये रोड को खुलवा दिया गया है। लगाइए, क्यों लगा, क्या वजह रही? ये जो सामने कॉलोनी है, हाँ बोलो जी बोलो, इसमें कुछ रास्ते में जल भराव के लिए की शिकायत थी, जिसके संबंध में इन लोगों ने ना तो प्रशासन को बताया और पहले जाम लगा दिया, तो फिर नगर निगम के अधिकारियों को बुलाकर इसका सर्वे कराया जा रहा है। जाम तो 10 खुल गया था। अच्छा, किस आश्वासन पर खुला ये जाम? अधिकारियों द्वारा उसका सर्वे करके उसका निस्तारण कराने के लिए।